थोड़ा थोड़ा बादल है, गर्मी है, उमस हो रही, और ज्यादा उमस हो गई है। कल की बारिश हुई, काफी तेज बारिश हुई और ट्रैफिक भी काफी ज्यादा था, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस बारिश से कोई अच्छा नहीं है, मौसम का अल्टी पल्टी हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। मौसम तो ठीक है, सुहाना मौसम है, इधर बारिश भी हुई है, नोएडा की तरफ दिल्ली में हुई है बारिश। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में कल तेज झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम ने करवट ली और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी भी दर्ज की गई। वहीं अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम है फिर एक बार उमस और फिर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में जो मौसम विभाग का जो अनुमान था कि आने वाले 8 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होगी, हालांकि कल बारिश हुई, मौसम सुहावना भी हुआ, लेकिन आज सुबह से ही फिर लोगों को उमस परेशान कर रही है। तो ऐसे में हम जनता के बीच में चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह जब ऑफिस और अपने कार्यालयों पर लोग जाते हैं तो उनको किस तरह की समस्या इस गर्मी से हो रही है, उनके बीच चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज के मौसम से कुछ ज़्यादा बारिश से खास फर्क नहीं पड़ा है, और ज़्यादा उमस हो गई है। कल की बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और यहाँ सेक्टर 15 वाली रेड लाइट से लेके पूरा मोड़ तक, नवेड़ा मोड़ तक पूरा ट्रैफिक था, फिर आगे भी पूरा काफ़ी ट्रैफिक था, बारिश की वजह से काफ़ी पानी भरा। और मौसम का तो पूछो ही मत, गर्मी इतनी रखती है, कूलर में भी मज़ा नहीं आता लौटने बैठने में, और इस बारिश से तो कोई राहत ही नहीं मिल रही है। या कंटिन्यू बारिश होए कि लगे कि हाँ बारिश हो रही है, थोड़ा घर में भी जाकर राहत मिले, को इस बारिश से कोई अच्छा नहीं है। मौसम का अल्टी पल्टी हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, मौसम बहुत लगातार रोज अनुमान जता रहा है कि बारिश होती है, लेकिन बारिश होती नहीं है। प्रॉपर डेली देखते हैं, अपडेट आता रहता है कि बारिश होगी, नहीं आई। रात को भी 1:30 बजे के करीब मैंने देखा था न्यूज, उसमें बारिश बता रहे थे, लेकिन बारिश हुई नहीं। सुबह भी उमस थी काफी ज्यादा। क्या लग रहा है कि जिस तरह अगर तेज बारिश होती है तो उमस और गर्मी से राहत? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा अगर जो बारिश होनी चाहिए। मौसम थोड़ा थोड़ा बादल है, गर्मी है, उमस हो रही। कल बारिश हुई थी, कहाँ कल बारिश हुआ था, इसीलिए तो गर्मी हो रही है। तो अब ऐसे में आप बाहर निकलते हैं, किस तरह की दिक्कत आती है? दिक्कत कुछ नहीं आती है, धूप होती है, गर्मी लगती है और बाकी होती है। आज मौसम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा मौसम है? मौसम तो ठीक है, सुहाना मौसम है, इधर बारिश भी हुई है, नोएडा की तरफ दिल्ली में हुई है बारिश। कल जो बारिश हुई थी, उसका कितना असर मौसम पे आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, मौसम का बहुत फर्क पड़ा है बारिश का, उमस कम है। इस तरह से पहले उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, कि बारिश का असर पड़ा है? उसमें राहत है, पहले जो गर्मी उमस वगैरह थी उसमें राहत है। आप बाहर बैठ कर काम करते हैं तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं? दिक्कत तो होती है, खुले में काम करने वाले को तो सर्दी गर्मी सबका ही परेशानी होती है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, सब तरीके से होती है भैया। अभी जिस तरह खुल के बारिश नहीं हो रही, क्या अगर खुल के बारिश होती है तो उसका गर्मी से भी खत्म हो जाएगी? नहीं तो गर्मी तो खैर अभी नहीं खत्म हो जाएगी पूरी, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत तो लोगों को है ही, बारिश से गर्मी से राहत है। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि इस बारिश के बाद हालांकि मौसम में थोड़ा सुधार तो हुआ है, लेकिन उमस उनको फिर से परेशान कर रही है। तो ऐसे में इनका कहना है कि अगर खुल के बारिश जिस तरह से अनुमान जताया जा रहा था, खुल के बारिश नहीं हो रही है और इस वजह से इस उमस से उनको दिक्कतें हो रही हैं। जो लोग अपने घरों से निकल कर ऑफिस दफ्तर जा रहे हैं, उनको खासतौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, घंटों बसों का इंतजार कर रहा है, तो इसमें उनको पसीने भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में, मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया था कि आने वाले दिनों में तेज बारिश होगी, तो आने वाले 8 अगस्त बीत चुका है, तो आगे का तापमान कैसा कुछ रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना पंजाब केसरी.com दिल्ली।